तो हो चुका है सुबह और आप देख सकते हैं कि चंपावत मार्केट में जो है धूप अच्छे से फैल चुकी है और यह नज़ारा काफ़ी सुंदर है। ऊपर से आप देख रहे होंगे कि जो बादल हैं वो भी जैसे प्रकाश की किरणें उद्गम होती हैं उसी तरह से फैले हुए हैं। यह नज़ारा काफ़ी सुंदर है। गायों को धूप में बांध दिया है और वो हरा चारा खा रही है और इन्हें चाहिए अभी खली। तो ये देख रहे हो कैसी कर रही है, पहले घास खा उसके बाद अभी दूंगा। और इसके तो हाल ही अलग है, इसके तो कुछ हो नहीं है, ये हरे हरे है, इसके इसे कुछ मतलब नहीं रहता है, किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं रहता है, इसे कुछ मतलब नहीं रहता है। और ये तीनों अलग ही लगे हैं अपने। तो आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, धूप आ रखी है और हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है और इसी कारण से जो है आज आपको अच्छी सी धूप सेकने को मिलेगी। तो चंपावत में नज़ारा काफ़ी अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा है और टेम्परेचर भी अच्छा है क्योंकि हल्की सी ठंड है, धूप ज़्यादा है, तो इस कारण से जो है आपको आज मौसम मौसम अच्छा देखने को मिलेगा। तो यही है, आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं खिली हुई धूप है और सामने यहाँ पे जो है महेशदा बैलों को जोत रहा है, वो अभी आलू लगाने के लिए खेतों की जुताई कर रहा है और इसके बाद जो है आलू लगाएंगे। और व्यू आपको दिखा दो, काफ़ी सुंदर लग रहा है आज, काफ़ी सुंदर व्यू है आज का। तो पहाड़ों पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपको जो है व्यू भी अच्छा देखने को मिलेगा और जो है मौसम काफ़ी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं, उसमें मौसम बदलते रहता है। तो ये कारण है कि आपको पहाड़ों में रहने का आनंद भी मिलता है क्योंकि कभी आपको ठंडी और कभी आपको गर्मी, और ठंडी ठंडी जब हवाएं चलती है तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये सब कुछ। और पहाड़ों पर रहने का यही है कि आप जब पहाड़ों में रहते हैं तो आपको उसके अनुकूल आपका शरीर भी हो जाता है और आपको बीमारियों से लड़ने की एक ऊर्जा अलग से मिल जाती है। तो ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में जो वायु है वह आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है और जो शहरों की वायु है वो बहुत ही गर्म होती है और वहाँ रहने लायक काफ़ी टफ रहता है, किसी को भी टफ रहता है, चाहे वो वहीं पर्वत पहाड़ों का रहने वाला हो या प्लेन्स का रहने वाला हो, तो उसके लिए उतना ही टफ रहता है कि जब वह गर्म जगह पे रहता है तो उसे गर्म हवा और कुछ भी चीज़ें टेस्ट नहीं आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो खाने का टेस्ट नहीं आएगा। और पहाड़ों पे जो है मौसम सामान्य रहता है तो आपको खाने का भी टेस्ट आएगा और हवा का भी मज़ा आएगा और जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी देखने का काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए कभी पहाड़ों पे, आप अगर प्लेन्स या प्लेन जगह कहीं बाहर रहते हैं तो पहाड़ों पे आइए और पहाड़ों पे घूमने का मज़ा लीजिए क्योंकि ये पहाड़ों पे घूम के जो है आपका शरीर भी फिट रहता है और आपका जो है मन भी शांत रहता है। ले प्ले, आज बना रहा पलेव भात और खाने में मज़ा आ रहा है। तो आज हम घूम रहे हैं चंपावत मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा हलचल है अभी, आप देख सकते हैं। तो घुमा फिरी करते करते हम पहुंच गए मुड़ियानी अपने मामा के घर और यह है सामने बैठे हुए मौसा जी। इनकी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम यहाँ आए थे और यहाँ का जो नज़ारा है अभी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड है लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो
तो शाम हो चुकी है और अभी मैं हूँ मुरियानी में, तो काफ़ी सुंदर व्यू है अभी का। तो आज का जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा रहा। आज यहाँ से मार्केट, मार्केट से फिर मुड़ियानी, मुड़ियानी से फिर यहाँ। तो शाम का समय था तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडा। आज हालत ख़राब हुई हुई थी ठंड से, क्योंकि आपको दिखाता हूँ अभी मौसम कैसा है। आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, इसी कारण से ठंड है बहुत ज़्यादा। अभी हो सकता है कि बीते कुछ दिनों में बारिश भी हो, और मौसम विभाग ने ये हाई अलर्ट जारी भी किया है कि 2-4 दिनों में बारिश तो होने वाली है। और सनसेट का यह है नज़ारा, काफ़ी सुंदर।